नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश श्रीवास्तव माइंड हिप्नोटिज्म चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। ऑर्गन ब्रीदिंग, ये जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं इसे हम ब्रीद ले सकते हैं। ये रोगों को ठीक करने की सबसे सरल और सबसे महान प्रक्रिया है और तुरंत इफेक्ट दिखाती है, करने में भी बहुत आसान है। देखिए क्या होता है, हम शरीर के जिस अंग पर ध्यान देने लगते हैं वही अंग हील होने लगता है, वहीं पर सुधार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जिंदगी का सीधा सीधा हिसाब है, अब जहाँ पर ध्यान देंगे वहीं पर हीलिंग शुरू हो जाएगी। हीलिंग यानी कि सुधार की प्रक्रिया, हीलिंग यानी कि ऊर्जा का प्रवाह। तो ऑर्गन ब्रीदिंग हमें कैसा लेना है, ये उन लोगों के लिए वीडियो है जिन्हें कोई बीमारी है, जो बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो वो अल्टरनेटिव मेडिसिन के रूप में इस प्रक्रिया को कर सकते हैं, या फिर जिन्हें कोई बीमारी भी नहीं है, वो अपने बॉडी ऑर्गन को स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं, तो वो भी इस वीडियो से सहायता लेकर ऑर्गन ब्रीदिंग को कर सकते हैं। अब ऑर्गन ब्रीदिंग कैसे करते हैं वो समझिए आप। सपोज़ आपको किडनी में डिसीज़ है, हार्ट में ट्रबल है, बैक में प्रॉब्लम है, शोल्डर में पेन है, जहाँ भी पेन है, जहाँ भी ऑब्स्ट्रक्शन है, जहाँ भी आपको लगता है कि यहाँ पर डिसीज़ डेवलप हो रही है, तो आपको क्या करना है, आँखें बंद करनी है। सपोज़ मेरे कंधे में दर्द हो रहा है तो मैं आँखें बंद करता हूँ और फिर मैं ब्रीद लेता हूँ, इन्हेलेशन और एक्सेलेशन, यानी श्वास ले रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं कंधे तक ब्रीद ले रहा हूँ और कंधे से ब्रीद को छोड़ रहा हूँ। मैंने ब्रीद ली वो कंधे तक आई, मैंने ब्रीद ली वो कंधे से वापस गई, मैंने ब्रीद ली वो कंधे तक आई, मैंने ब्रीद छोड़ी वो कंधे से वापस गई। जब भी ब्रीद वापस जाएगी तो मुझे ये बोलना है कि मेरी बीमारी इस ब्रीद के साथ निकल रही है, मेरी बीमारी शरीर से बाहर निकल रही है। जब भी इन्हेलेशन करते हैं तो कुछ नहीं बोलना है, जब इन्हेलेशन करते हैं, एक्सेलेशन करते हैं, तब क्या बोलना है, मेरी बीमारी बाहर जाती हुई श्वास के साथ बाहर निकल रही है, मेरी बीमारी बाहर निकल रही है। आपको पेट में दर्द है, आप स्टमक ब्रीदिंग कर सकते हैं, पेट तक श्वास आ रही है, पेट से बाहर जा रही है, पेट तक श्वास आ रही है, पेट से बाहर जा रही है। ये नहीं कि ये श्वास उस बिंदु को छू रही है जहाँ पर आपको दर्द हो रहा है, ट्रबल हो रही है, पेन हो रहा है। तो क्या होता है, जैसे ही आप ये कल्पना करते हो कि इस पार्ट तक ब्रीद जा रही है और यहाँ से वापस जा रही है, देखो क्या होता है, जैसे ही हमारे मस्तिष्क का ध्यान किसी भी बिंदु पर जाता है, शरीर की समस्त ऊर्जा वहाँ पर प्रवाहित होने लगती है। हमारी एनर्जी किससे डायरेक्ट होती है, हमारे माइंड से। हमारा माइंड हमारी ऊर्जा को डायरेक्शन देता है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाओ तो आप यहाँ पर ध्यान लगाते हो, मैं आपको बोलता हूँ हार्ट चक्र पर ध्यान लगाओ तो आप हार्ट चक्र पर ध्यान लगाने लगते हो। लेकिन क्या होता है कि हमारा ध्यान हमेशा बाहर की तरफ रहता है। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था, वी आर आउट गोइंग एनर्जीज, हम सब बाहर की तरफ बहने वाली ऊर्जाएं हैं। तो हमें ये देखना है कि हमारा ध्यान हमारे अंदर लगा रहे, हम अपनी लाइफ को अपने अंदर ध्यान देकर ही ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हमें क्या करना है, अपने ध्यान को अंदर की तरफ ले जाना है। जिस भी बॉडी ऑर्गन में प्रॉब्लम है वहाँ पर हमें ध्यान ले जाना है। 24 घंटे हम अपने ध्यान को बाहर की तरफ रखते हैं जिससे बहुत तकलीफ होती है। हम बाहर की तरफ ध्यान रखते हैं तो हमारी समस्त ऊर्जा अंदर से बाहर की तरफ बहने लगती है। हम भीतर की तरफ ध्यान रखते हैं तो हमारी ऊर्जा भीतर की तरफ प्रवाहित होने लगती है। हम अस्तित्व से ऊर्जा सक करके अपने अंदर लेने लगते हैं। जब ऊर्जा का प्रवाह भीतर ज़्यादा होने लगता है तो वही ऊर्जा कार्य के रूप में, रचनात्मक कार्यों के रूप में आपके भीतर से बाहर प्रकट होती है। जो आदमी जितना ऊर्जावान होता है वो उतना बड़ा रचनाकार होता है। जिस आदमी के अंदर जितनी ऊर्जा है वो उतने बड़े बड़े काम इस दुनिया में कर सकता है। ऊर्जा को के प्रवाह को अंतर्मुखी बनाने के लिए अपना ध्यान शरीर के अंदर रखना है। थोड़े ही दिनों में आप देखेंगे आपका शरीर ऊर्जा से भरने लगा, ये होने लगेगा। तो आपको क्या करना है, ऑर्गन ब्रीदिंग का अभ्यास करना है, अपने अंदर ध्यान देकर ब्रीद लेना है।
जब भी दिन में ध्यान आए इस प्रक्रिया को आप कर सकते हैं। जब आप करेंगे तो इससे होने वाले बेहतरीन लाभों को भी अनुभव कर सकेंगे। अभी करके देखिएगा, अच्छे लगते हो मेरे वीडियोस तो ज़रूर कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में जो आप कमेंट करते हैं वो मैं ज़रूर पढ़ता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स होते हैं। और सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।